कुलदारा रखा गया था। क्यों रखा था कुलदारा गांव? क्योंकि ये पालीवाड़ ब्राह्मणों की कुलदर जाती थी और कुलदेवी थी, इसलिए गांव का नाम कुलदारा रखा गया था। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले ब्राह्मण लोग पालीवाल रहते थे। पालीवाल आप जानते हो, पंडित। पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले एक 84 गांव रहते थे ब्राह्मणों के, जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में 84 विलेजेस थे पालीवाल ब्राह्मणों के, एक ही जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल 84 विलेजेस थे जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में। उनमें से सबसे बड़ा गांव, मेन गांव पालीवाल ब्राह्मणों का ही कुलदारा था। कुलदारा में अपने को एकदम टूटे फूटे घर मिलेंगे, 630 घर है। उस टाइम में जनसंख्या आबादी वाला पालीवाल ब्राह्मणों का यही गांव था कुलदारा। बाकी 83 विलेजेस 100-100 घर की आबादी रहा करती थी, 100-100 घर के रहते थे। इस कुलदारा सबसे बड़ा गांव, मेन गांव था। आपको ही पता होगा उस टाइम में लोग जैसे क्या करते थे, ज़्यादातर व्यापारी थे। अभी जैसे लोग नौकरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उस टाइम में ज़्यादातर लोगों का व्यापार था। क्योंकि सोने का, चांदी का, पहले जैसे सब तारबंदी एक रहती थी, कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं लगता था। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल बड़े व्यापारी थे। कुलदारा एक सिल्क रूट में आता था, गोल्ड सिल्वर। क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा संपत्ति आने से, आपने जैसलमेर का किला देखा है, गोल्डन फोर्ट, उनका राजा था 200 साल पहले। उस राजा का नाम क्या था? मूल्य राज सिंह राजपूत। उस राजा को पता चला था पालीवाल ब्राह्मणों के पास धन और दौलत, पैसा और संपत्ति ज़्यादा है। पहले लोग क्या बोलते थे? कर्ज दे लगान, अभी बोलते हैं टैक्स। जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने इन पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर ज़्यादातर टैक्स चढ़ दिया था। आपको ही पता होगा, वैसे जो भी बड़ा आदमी होता है उसके आगे एक छोटा आदमी जरूर रखा होता है। पब्लिक को हैंडल करने वाला मुनीम जैसा सेनापति रहता है, वो आगे जैसे मुनीम जैसा रहता है, जैसे बड़े आदमी के आगे। जैसे वो राजा था, राजा के आगे एक मुनीम जैसा सेनापति रखा हुआ था, पब्लिक को हैंडल करता था। सेनापति था तो डिफरेंट कास्ट का, डिफरेंट कास्ट यानी बढ़िया, जानते हो ना आप, बढ़िया था। हाँ, उनको एक राजा और राजपूत की जगह मिली तो उन्होंने पीछे सिंह लगा के रखा था, उनका नाम रहा करता था सालम सिंह, जिसकी हवेली है जैसलमेर के फोर्ट के पास में मोती महल। सालम सिंह बंदा पावरफुल मिनिस्टर था, वो क्या करना चाहता था, राजा तक बात नहीं पहुँचने देता था, पब्लिक को लेने देने में परेशान करता था। यानी किसी की लड़की के ऊपर बुरी नज़र रखना, किसी को मारना पीटना, किसी के मतलब ज़्यादा टैक्स लेना, उनका यही काम था। एक दिन सालम सिंह जैसलमेर से निकला। उस टाइम में आपको ही पता होगा, कार मोबाइल वगैरह कुछ नहीं रहा करता था, ऊँट और घोड़े रहा करते थे ज़्यादातर। सालम सिंह घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ में निकला तो कुलदारा गाँव में आया, इसी गाँव में टैक्स वसूल करने के लिए। ये लोग ऐसे भी रहते थे उस टाइम में, आपको ही पता होगा, लेडीज़ को ज़्यादा घूंघट और पर्दे सिस्टम में रखा करते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि चोर डाकू की नज़र ना पड़े। पहले चोर डाकू ज़्यादा चलते थे, लड़की के ऊपर किसी की बुरी नज़र ना पड़े। इस गांव का जो मुखिया था, पीछे शायद आप घर देख के आएंगे तो बड़ा घर बैलगाड़े वाला है, वो मुखिया का घर है, पुराना घर है, गोबर मिट्टी आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने, सरकार ने मेंटेनेंस करके रखा है। उसी घर का कोई मुखिया था, मुखिया का नाम था रामचंद्र पालीवाल। पालीवाल ब्राह्मणों के लोग ऐसे बोलते थे, कुलदारा गांव की कोई लड़की थी खूबसूरत, इसी गांव की 18-20 साल की कोई बेटी रहा करती थी ब्राह्मणों की, वो बेटी एक दिन ऐसा हुआ, इस गांव से माँ बाप से जिद करके निकली, बाहर एक स्टेबल बावड़ी बनी हुई, कुआं पाने का साधन। उस टाइम में पानी के साधन कुएँ होते थे, बोरवेल नहीं होते थे, जैसे कुएँ स्टोरेज वाटर करते थे। जैसे वो बावड़ी के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों की जैसे बेटी जो पानी भरने के लिए चली गई, तो सालम सिंह सेनापति राउंड और टक्कर लगाने के लिए आया था, तो उस लड़की को पानी भरते समय देख ली। सालम सिंह के दिल में खोट बढ़ गई, सेनापति के एक पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा कि लड़की किसकी है, मेरे को पसंद आ गई, इनसे मैं शादी करना चाहता हूँ। इन लोगों ने ऐसा बोला, ब्राह्मणों ने ऐसा तो नहीं कर सकते, एकदम हमारी बेटी से आप ज़बरदस्ती उठा के लेके चले जाओ, हमारे से ज़बरदस्ती लड़की से शादी कर लो, हमको कुछ सोचने के आगे थोड़ा बहुत टाइम टेबल दे दो। सालम सिंह ने कितना टाइम दिया पालीवाल ब्राह्मणों को सोचने का? 10 दिन का समय दिया था। 10 दिन के अंदर आप जो भी फैसला ले लेना, अगर 10वें दिन वापस आऊँगा, अगर इस बेटी से आप मेरे को खुशी से शादी करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊँगा। ऐसे 10 दिन का टाइम देकर सालम सिंह जैसलमेर की तरफ वापस रवाना हो गया। अब शाम के टाइम में लीडर ने कुलदारा गांव के अंदर बैठ के मीटिंग रखाई गई। मीटिंग के अंदर बाकी 83 विलेजेस वाले दूसरे तीसरे दिन पालीवाल ब्राह्मण लोग इस कुलदारा में इकट्ठा हुए। इकट्ठा इस कुलदारा में क्यों है? सबसे बड़ा गांव, मेन गांव यही था कुलदारा। इसमें बैठ के ब्राह्मणों ने दूसरे तीसरे दिन कुलदारा का ये बैकग्राउंड था चौराहा, बीच में ये खुली जगह, ये गांव का चौराहा रहा करता था। इसमें बैठ के ब्राह्मणों ने मीटिंग रखाई बड़ी। मीटिंग के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा बोला था कि आज मेरी लड़की की जैसे ऐसे शादी करने के लिए बोला ये सेनापति सालम सिंह,
तो कल किसी और की बेटी के ऊपर ये बुरी नज़र डालने में इनको कितना टाइम लगेगा। वैसे ये अदर कास्ट में फर्क है, हम ब्राह्मण हैं और वो बढ़िया हैं। उनकी उठक बैठक राजा मर्द के साथ में दारू मीठ आदिवासी करता है तो अपने को क्या पता चलेगा, अपन सादे ब्राह्मण हैं। ऐसा करो, अपने को कुछ नहीं करना है, लड़की वगैरह अपने को देनी नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपने को एक नाइट में जैसलमेर के आसपास में 84 विलेजेस खाली करके निकल जाना होगा। जैसलमेर के आसपास में पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बेटी के पीछे सालम सिंह सेनापति के डर के मारे जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में 84 विलेजेस खाली करके निकल चुके थे जोधपुर और पाली। पालीवाल ब्राह्मण ने जाकर पाली बसाई थी। सबसे बड़ा गाँव मेन गाँव कुलदारा था। कुलदारा में देखो कोई कुछ नहीं कर सकता है, अगर यहाँ पे जो भी रुकता है उनकी फैमिली नष्ट हो जाती है। अगर यहाँ का कोई पत्थर भी उठाकर घर के अंदर रखता है तो उनको भी नष्ट कर देते हैं। रेगिस्तान वाले लोगों ने दोबारा ये बसाने की कोशिश की थी, किसी के बच्चों के साथ नुकसान हुआ था, किसी के बुजुर्गों के साथ नुकसान हुआ था, इसलिए कोई नहीं रहता है। किसका मतलब इसके क्या प्रॉब्लम है, ब्राह्मण लोग पालीवाल चले थे, कुलदारा गाँव को श्राप दे दिया था। श्राप यानी बद्दुआ। पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा बोला था कि हमारा कुलदारा गांव मेन था, अगर इसमें कोई रहेगा उनकी फैमिली नष्ट होती रहेगी, हम तो जैसा छोड़कर जा रहे वैसा ही रहेगा। आज तक देखो कुलदारा गांव ऐसे ही पड़ा है, 200 साल से इसमें कोई नहीं रहता है। लोगों ने खूब कोशिश की थी, किसी के बच्चों के साथ नुकसान हुआ, किसी के बुजुर्गों के साथ नुकसान हुआ, आज तक कुलदारा गाँव में कोई रहता नहीं है। मैं भी 2 किलोमीटर पीछे रहता हूँ, मेरा गाँव 2 किलोमीटर पीछे है, कभी कुलदारा में आने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको ही पता होगा, अपने से कोई परिवार वाले छूट जाते हैं, पीछे ज़मीन ज़्यादा छूट जाती है, किसी की शमशान भूमि वगैरह छूट जाती है तो कितने दुख की बात होती है। इनके जो पूर्वज थे, इनकी मतलब यहाँ पे शमशान भूमि बनी हुई है यहाँ पे जैसे 100 मीटर की दूरी में, उनकी आत्मा कुलदारा में भटकती रहती है। कभी रात को आवाज़ें आते जाती है। दिल्ली से पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए गौरव तिवारी आया था 2016 में, आर्कियोलॉजिस्ट वालों से परमिशन लेके आया था। उन्होंने नाइट टाइम इस कुलदारा में कैमरे लगाए थे, उनके कैमरे वगैरह इस कुलदारा में ब्लास्ट हो गए तो बुरी तरह डर गया, तो घर पे जाते समय उनकी भी मौत हो गई थी। इसलिए कुलदारा गांव एक वन विलेज वीरान है, बाकी 83 विलेजेस में अदर कास्ट मेरे जैसे आपके जैसे लोग रह रहे हैं। ब्राह्मण पालीवाल जैसलमेर के अंदर है ही, क्योंकि जैसलमेर को उन्होंने तलाक दे दी थी, कभी दोबारा जैसलमेर की तरफ हम नहीं देखने वाले हैं। वैसे आपको ही पता होगा, इतने आप घूमे हो, हर जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति रहती है। इंडिया में जैसे इतने सारे मंदिर पड़े उसमें मूर्तियां रखी हुई है, वैसे देखा जाए तो कुलदारा के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। इसमें ठीक है, हम लोगों ने फोटो लगा के रखी है, कोई सूझबूझ पहन के अंदर नहीं जा सके। बाकी इसमें मूर्ति थी, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था, पालीवाल ब्राह्मणों ने अपना भगवान साथ मुठा ले लिया था, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बोला था हम नहीं रहे तो पीछे भगवान को कौन देखभाल करेगा, इसलिए उन्होंने मूर्ति भी साथ मुठा ली थी। कभी मूर्ति स्थापना हुई नहीं मंदिर के अंदर, कृष्ण भगवान का मंदिर है, इसमें कोई मूर्ति होती तो पाठ पूजा करते हैं, मंदिर के ऐसी अंदर हालत नहीं होती। जैसे देखो बेड कई लोगों ने बोतलें डाल के रखी है, इसमें मंदिर के अंदर कोई अगरबत्ती मूर्ति वगैरह नहीं है, तो इसलिए खाली मंदिर ऐसे ही पड़ा है। वैसे वो छतरी पुरानी है, गोल्डन सैंड स्टोन है, उसमें कोई इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कोई सीमेंट चूना यूज है ही नहीं। पहले क्या सीमेंट चूना घरों में यूज नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम में सीमेंट चूना नहीं था, गोबर और मिट्टी से घर बनाते थे। गोबर और मिट्टी से क्यों घर बनाते थे, क्योंकि गर्मी में बहुत ठंडा रहता था, सर्दी में गर्म रहता था। मेन घर वही था, उस घर की वजह से पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 विलेजेस छोड़ दिए थे। जैसे आप पीछे देखाए थे बैलगाड़े वाला ऊपर से पूरा, आपने शायद ऊपर से गांव देखा होगा, बहुत बड़ा गांव है उस टाइम में जनसंख्या आबादी वाला, पालीवाल ब्राह्मणों का यही गाँव था। सारे घर कनेक्टेड मकान है, जैसे देखो कोई बीच में दीवार गैप नहीं मिलेगा। कनेक्टेड क्यों रखते थे, क्योंकि अगर एक घर में लेडीज़ भी आवाज़ लगा देती थी तो भी लास्ट घर तक मैसेज पहुंच जाता था, क्योंकि एक दूसरे के व्हाट्सअप जैसे वो खिड़कियां रहती थी घरों में। अगर चोर भी घुस जाता तो भी लास्ट घर तक मैसेज पहुंचता था, मेरे घर में चोर घुसा है, तो पब्लिक चोर के ऊपर हमला कर लेती थी। एकदम प्लान के हिसाब से पूरा कुलदारा गांव बनाया हुआ है। आज भी देखो कई कबार जैसे कई जगह जगह ऐसी है, क्योंकि इसमें हर जगह घर में अंडरग्राउंड बनाते थे, क्योंकि उस टाइम में जैसे क्या सोना और चांदी कुछ भी गाड़ के रखते थे। आज भी कई कई जगह कुलदारा में लोग बोलते हैं सोना है, कई लोकल लोगों ने यहाँ पे निकाल कर लेकर गए थे, जैसे लेकर गए पुलिस ने उनको पकड़ लिया, अंग्रेज भी आया था करीबन 22 साल पहले, उन्होंने भी मेटल डिटेक्टर थी यहाँ पे कुलदारा में निकालने की कोशिश की थी, मतलब गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया था। इसलिए कुलदारा गांव में 6:30 के बाद इस कुलदारा में किसी को अलाउड नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने चारों तरफ बॉर्डर फेंसिंग से कवर करके रखा है। कच्चे धागे मूवी लास्ट शूट यहाँ का जो अपन खड़े यहाँ पे बैकग्राउंड में बनी थी,
कालो मूवी यहाँ बनी थी कुलदारा में, अभिजीत रहता है सीआईडी वाला भूतों वाली है। बाकी एक शक्ति द पावर है शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, वो भी यहाँ बनी थी। जितने भी आपको घर ये मिले दिख रहे हैं गोबर और मिट्टी पेंट वेंट किया हुआ है, क्योंकि सरकार एक साल में मेंटेनेंस कराती है। जैसे गोबर मिट्टी ढह जाता है बारिश में तो दोबारा इनको मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि डेजर्ट फेस्टिवल होता है फरवरी में, डेजर्ट फेस्टिवल होता है हर फरवरी में ये गोबर मिट्टी लगता है। इसलिए ये दो चार घर जैसे कच्चे मकान है दोबारा बनाया गया है, जैसे ये घर सामने वाला दोबारा बनाया है, बाकी पीछे वाला घर जो मुखिया का था वो ओरिजिनल है, उनको खाली मेंटेनेंस किया हुआ है। जिस डब्ल्यू जिंदल स्टील ने कैफेटेरिया बनाया था यहाँ पे, ये पीछे दिख रहा नया है कैफेटेरिया, उनका एक रात में नष्ट हो गया तो जिस डब्ल्यू जिंदल स्टील छोड़ के भाग निकली। इस भी देखो, इसलिए कोई कुलदारा का पत्थर, यहाँ के पत्थर भी लोगों ने उठाकर घर बनाए थे दूसरे लोगों ने, उनकी फैमिली वगैरह बर्बाद हो गई तो पत्थर उन्होंने कुलदारा के पत्थर वापस कुलदारा में डाल दिए। आपको बराबर समझ में आ गई स्टोरी? आप सारे